तो बच्चों, ये है फिजिक्स की कक्षा 11 की क्लास। इसमें हम लोग प्रत्यास्थता चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। प्रत्यास्थता चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि प्रतिबल क्या है, विकृति क्या है, और प्रतिबल कितने प्रकार का होता है, विकृति कितने प्रकार की होती है, प्रतिबल से पहले विरूपक बल क्या है और प्रत्यानयन बल क्या है। अब हम लोग उसके आगे एक लास्ट पॉइंट पढ़ के गए थे, हुक का नियम। ज़रा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। हुक का नियम क्या है? हुक का नियम, किसी भी वस्तु पर प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर आरोपित जो प्रतिबल होता है वो सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट है कैपिटल ई, मल्टीपल में विकृति। अब अगर हम यहाँ पर ई बराबर निकालें तो ई बराबर आ गया प्रतिबल बटे विकृति। अब यहाँ पे ई जो भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि का नाम है प्रत्यास्थता गुणांक। तो किसी प्रत्यास्थ वस्तु की प्रत्यास्थता के भीतर प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है वो कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक। अब चूंकि प्रतिबल तीन प्रकार का होता है और उसके करस्पॉन्डिंग विकृति भी तीन प्रकार की होती है, तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात भी तीन प्रकार का होगा। प्रतिबल और विकृति के अलग अलग तरीकों के आधार पर, प्रतिबल और विकृति के तरीकों के आधार पर प्रत्यास्थता भी तीन प्रकार की होती है। तो प्रत्यास्थता का पहला टाइप है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और अनुदैर्ध्य विकृति का जब भाग देंगे तो जो सबसे पहले प्रकार की प्रत्यास्थता आती है वो कही जाती है यंग प्रत्यास्थता। आपको पता है प्रत्यास्थता बराबर क्या होता है? अभी अभी हम लोगों ने सीखा, प्रत्यास्थता बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, और प्रतिबल के तीन प्रकार आप लोगों को बताए गए हैं। तो सबसे पहले प्रकार का प्रतिबल कौन सा है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। उसके करस्पॉन्डिंग विकृति कौन सी है? अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है वो कहलाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, कि किसी भी प्रत्यास्थ वस्तु की प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। मान लेते हैं, इसके फार्मूले का प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं कोई भी तार है जिसकी इनिशियल लंबाई कितना है? एल। इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। इस पर अगर हम F बल आरोपित करते हैं, चाहे बाह्य बल अथवा इसके भार के कारण खुद, और हम ऐसा मान लेते हैं कि इसकी लंबाई पहले से बढ़कर L प्लस डेल्टा L हो जाती है। अगर इसकी लंबाई बढ़कर L प्लस डेल्टा L हो गई तो पहला काम हम इसमें निकालेंगे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना है। तो प्रतिबल बराबर आपको पता है क्या होता है? बल बटे में क्षेत्रफल। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर F अपान A। दूसरा काम, अनुदैर्ध्य विकृति कितना है? तो विकृति बराबर आपको पहले ही बताया जा चुका है कि लंबाई में होने वाला परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो प्रारंभ में लंबाई कितनी थी? L। बाद में लंबाई कितनी हो गई? L प्लस डेल्टा L। तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है? डेल्टा L का। तो अनुदैर्ध्य विकृति हो गया लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब अगर हम यहाँ से यंग प्रत्यास्थता गुणांक y निकालें तो y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना है? F अपान A। अनुदैर्ध्य विकृति कितना है? डेल्टा L अपान L। इसी को हल करते हैं। अगर ये पलटेगा तो F अपान A मल्टीपल में L साथ में डेल्टा L। कोई दिक्कत आई हो? नहीं होनी चाहिए। अगर हम माने कि वस्तु की लंबाई उसके खुद के भार के कारण बढ़ रही है तो इस F के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एम जी इंटू यल अपान में आधार का क्षेत्रफल। ये तार बेलनाकार है तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा यल। तो किसी भी तार के यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम जी यल अपान में पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा यल। अब इस पदार्थ इस फॉर्मूले से हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि चांदी के तार और रबड़ में या किसी भी धात्विक तार और रबड़ में किसका प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा गया। एक चांदी का तार ले लें और एक रबड़ ले लें, किसका प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा होगा? तो ध्यान से सोचिए, इस फॉर्मूले को देखें तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा एल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यल लंबाई का चांदी का तार हो या किसी धातु का तार हो और यल लंबाई की कोई रबड़ हो और दोनों पर समान बल लगाया जाए तो ज़्यादा विस्तार किसकी लंबाई में होगा? तो ऑफकोर्स रबड़ की लंबाई में, और रबड़ की लंबाई में विस्तार ज़्यादा होगा तो रबड़ का प्रत्यास्थता गुणांक हमेशा कम होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई स्टील मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक ऑफ स्टील, यंग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फॉर स्टील और फॉर रबर में कौन बड़ा होगा? तो रबर में विस्तार ज़्यादा होगा इसलिए इसका प्रत्यास्थता गुणांक हमेशा कम होगा। तो स्पष्ट रूप से हमको एक बात पता चल चुकी है कि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक सदैव रबर के प्रत्यास्थता गुणांक से ज़्यादा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आयतनात्मक प्रतिबल नंबर सेकंड पे आपने पढ़ा था। मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, इसका इनिशियल आयतन कितना है? V। इस पर दाब लगाया गया, मान लेते हैं दाब कितना लगाया हमने? P। और जब P दाब लगाया गया तो इसका आयतन घट के कितना हो गया? V माइनस का dV। तो अब इस पर निकालते हैं, सबसे पहले आयतनात्मक प्रतिबल कितना होगा? आयतनात्मक प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो वही हो जाएगा एफ अपान ए, और एफ अपान ए को ही प्रेशर कहते हैं। तो आयतनात्मक प्रतिबल बराबर भी पी। दूसरा काम, आयतनात्मक विकृति कितनी होगी? आयतनात्मक विकृति का मतलब आयतन में होने वाला परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो पहले आयतन था वी, बाद में आयतन हो गया वी माइनस डी वी। तो आयतन में परिवर्तन कितना हुआ? माइनस डी वी बटे पहले आयतन कितना था? वी। तो जब आयतनात्मक प्रतिबल पता है, आयतनात्मक विकृति पता है, तो हम इन दोनों के अनुपात से प्रत्यास्थता गुणांक निकाल सकते हैं, और उस प्रत्यास्थता गुणांक को बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, या इसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये हो जाएगा आयतनात्मक प्रतिबल बटे आयतनात्मक विकृति। और आयतनात्मक प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। आयतनात्मक प्रतिबल कितना आया था? P। आयतनात्मक विकृति कितनी आई थी? माइनस डेल्टा V अपान V। और ये पलटेगा अगर फ्रैक्शन तो पी वी अपान में माइनस का डेल्टा V। तो जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए फॉर्मूला हो गया वो हो गया माइनस का पी इंटू वी अपान में डेल्टा V। ये दो पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। दो तरह का प्रत्यास्थता गुणांक, पहला यंग प्रत्यास्थता गुणांक और दूसरा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। थर्ड एंड लास्ट प्रत्यास्थता गुणांक है, तीसरे तरह की विकृति आपको क्या पता है? अपरूपण विकृति, अपरूपण प्रतिबल, सॉरी अपरूपण प्रतिबल, और इसी के करेस्पॉन्डिंग जो विकृति होती है उसको क्या कहते हैं? अपरूपण विकृति। अब अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं दृढ़ता गुणांक। ये प्रत्यास्थता गुणांक ये भी एक तरीके का है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाता है? दृढ़ता गुणांक। तो अपरूपण प्रतिबल कितना? एफ अपान ए। आपको अपरूपण विकृति कल ही बताई गई थी, थीटा, या उसी को हम लोग फाई कहते हैं, और ये इक्वल टू होता है एक्स अपान में एल। एक्स क्या है? किसी भी वस्तु में होने वाला पार्श्वी विस्थापन, मतलब ये कोई एल लंबाई की वस्तु है, इसकी लंबाई स्पर्श रेखीय दिशा में एक्स विस्थापित हुई है। तो ये है एक्स, ये है एल, और ये कोण क्या कहलाता है? फाई। तो अगर हम यहाँ पे दृढ़ता गुणांक निकालें तो दृढ़ता गुणांक कितना हो जाएगा? नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, नीटा बराबर अपरूपण प्रतिबल दैट मीन्स एफ अपान ए, अपरूपण विकृति दैट मीन्स एक्स अपान यल। पलटेंगे तो एफ इंटू यल अपान में ए इंटू एक्स, ये फॉर्मूला हो गया नीटा का। तो बच्चों आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने एक आउटलाइन बताई, आपके पास किताब होगी, आप उससे अच्छे से पढ़िए, और उम्मीद करते हैं आप पहले की तरह अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आपकी ठीक चल रही होगी, आप अपने घर परिवार का अगल बगल के लोगों का ध्यान रख रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रतिबल और विकृति के अलग अलग प्रकार के आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक कितने प्रकार का हो सकता है। तो आगे की बातें हम लोग देखते हैं कल। कल हम लोग शुरू करेंगे पायसन के नियम से, और सीखेंगे कि किसी प्रत्यास्थ वस्तु में संचित ऊर्जा कितनी होती है। तो आज की बात यहीं पर करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।